नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी 10% हानि का दावा करता है परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 1800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ क्रय मूल यानी कि CP लिखेंगे और दूसरी तरफ विक्रय मूल यानी कि SP लिखेंगे, सेल प्राइस। और ये किस में होते हैं, रेशियो में है। तो जो वो गलत तोलता है यानी कि 800 ग्राम का बाट रखा उसने, जो त्रुटिपूर्ण जो वेट होता है वो हम कहाँ रखते हैं, CP के नीचे रखते हैं। तो हमने 800 रख दिया CP के नीचे। और जो कहता है कि भाई मैं 1000 किलोग्राम का वाट रख रहा हूँ, तो वो जो सही होता है वो हम कहाँ रखते हैं, जो कहता है वो हम कहाँ रखते हैं, इसके नीचे, विक्रय मूल्य के नीचे। लेकिन वो कह रहा है कि 10% हानि होती है, तो 1000 का हम 10% निकालेंगे। 1000 10/100, 0 से 0 गया 0 से 0 गया, तो ये क्या हो गया 100, यानी कि 100 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 1000 में से हम 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 900, यानी कि विक्रय मूल्य कितना लिख देंगे 900, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। 1 किलोग्राम का 10% निकाला हमने, 900 आया, राइट, 100 आया, और 100 हमने क्या करा, 1000 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 900। अब हम 0 से 0 0 से 0 हटा सकते हैं तो ये कितना हो गया 8:9, यानी कि 8 की कोई वस्तु हमने 9 में बेची तो कितने का फ़ायदा हुआ, हमें 1 का फ़ायदा हुआ। और किस पे होता है, CP पर होता है, CP कितना है हमारा 8। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 4 दुनिया 8, 4 5 20, तो ये आ गया हमारा 25/2। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करें, 2 एक 2, 5 उतारे, 2 दूनी 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।